दीपावली पर्व और शादियों के सीजन के मद्देनजर बाड़मेर के बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ रही है और बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों में बात करें तो जिले में करीब 150 से अधिक संक्रमित सामने आ चुके हैं, जो कि पिछले दिनों की अपेक्षा दुगना है। जिला कोविड प्रभारी डॉक्टर सत्ताराम भाकर ने बताया कि पिछले दिनों की अपेक्षा कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। दिवाली पर्व और शादियों की सीजन के मद्देनजर बाड़मेर के बाजारों में भीड़भाड़ बढ़ रही है और बाजारों में भीड़ बढ़ने के साथ ही कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा भी बढ़ता नजर आ रहा है। पिछले 5 दिनों की बात करें तो जिले में करीब 150 से अधिक संक्रमित सामने आ चुके हैं, जो पिछले दिनों की अपेक्षा दुगना है। हालांकि राज्य सरकार महामारी अध्यादेश के तहत मेडिकल एडवाइजरी की अवहेलना पर जुर्माना भी वसूला जा रहा है, बावजूद इसके लोग अधिक लापरवाह होते नजर आ रहे हैं। जिला कोविड-19 प्रभारी डॉक्टर सताराम भाकर ने बताया कि पिछले दिनों की अपेक्षा कोरोना मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। पूर्व दिनों में प्रतिदिन जिले में 15 से 18 मरीज सामने आ रहे थे, जो आंकड़ा बढ़कर 35 से 40 मरीजों तक पहुंच गया है। भाकर के अनुसार स्वास्थ्य विभाग द्वारा अब तक 72,000 लोगों के सैंपल लिए जा चुके हैं, इसमें करीब 4100 का आंकड़ा पॉजिटिव पर पहुँच गया है। कोरोना केसेस ज़्यादा आते थे, लेकिन बीच में अपने सभी के जो हमारे डिपार्टमेंट और प्रशासन के समन्वित प्रयासों से कोरोना के डेली के केसेस घट के 15-20 के आसपास हो गए थे। लेकिन चूँकि अभी जैसे त्योहारी सीज़न और उसके अलावा अपने शादी ब्याह का सीज़न भी आ रहा है, तो इसमें क्या लोग समूह में बाहर निकलते हैं और बाज़ार में मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं, तो इसके कारण अभी पिछले 5 दिन में एवरेज आंकड़ा 35 से लेकर 40 के आसपास केसेस प्रतिदिन आ रहे हैं। तो ये एक तरह से चिंता का विषय है कि लोग बाज़ार में भीड़ कर रहे हैं और उसके अलावा मास्क नहीं पहन रहे हैं और सोशल डिस्टेंस का पालन भी नहीं कर रहे हैं, इसलिए आंकड़ा बढ़ रहा है और इसी तरह चलता रहा तो आंकड़ा और बढ़ सकता है। जिले में हमने अभी तक 72,000 से ज़्यादा सैंपल लिए हैं, उसमें से लगभग 4100 के आसपास अभी तक अपने पॉजिटिव आए हैं। और अभी की जैसे देखा जाए हाल ही का, तो अभी अपने पास एक्टिव केस 250 के आसपास एक्टिव केसेस हैं, तो अपनी रिकवरी रेट बहुत अच्छी है। लेकिन अब ये है कि चूँकि केसेस थोड़े बढ़ते जा रहे हैं, लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, थोड़ा कोरोना का जो पहले जो डर दिखता था कोरोना के लिए, वो लोग डर भी नहीं है और उसके कारण लापरवाही होती जा रही है, जिसके कारण डेथ रेट बढ़ सकती है। और इसका कारण ये भी हो सकता है कि अपनी कम्युनिटी में केसेस ज़्यादा हों, कम लोग जाँच करवा रहे, जो सीरियस हो रहे वही जाँच करवा रहे, तो हो सकता है कि इससे आगे आने वाले टाइम में अपना जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो और बर्डन हो सकता है। साथ ही राज्य सरकार द्वारा मास्क अनिवार्यता को लेकर कानून तो लागू कर दिया गया है, लेकिन इसकी पालना के लिए बाड़मेर जिला प्रशासन जरा भी गंभीर नजर नहीं आ रहा है। यही वजह है कि बाजारों में लोग अधिक लापरवाह होते नजर आ रहे हैं और लापरवाही इतनी कोरोना संक्रमितों के बढ़ने का कारण साबित हो रही है।